हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 5 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3% की तेजी देखने को मिली है, 1 महीने में 6.5%, परंतु 3 महीने में देखें तो इस स्टॉक में 4.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में 5% की तेजी देखने को मिल रही है और 1 साल में 4%, 2 साल में 65% की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर 2 साल में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहेगा, परंतु 3 महीने में इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 11.85 रुपीज, 11.85 रुपीज इस पॉइंट पर इस स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 7 रुपीज, 7 रुपीज इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 7 रुपीज 50 पैसे, 7 रुपीज 50 पैसे के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 10 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।